तो अभी ये दिन आ गए हैं कि ईद के दिन दुनिया को मुबारकबाद देने की घड़ी है, तो ईद के दिन अब तुम लोग मछली खाने का कई बात कर रहे हो, मछली खाया खिलाया गया, रामनवमी के वक्त में नहीं खाया, उसके पहले खाया, ये सब बातों का जवाब तो तेजस्वी जी खुद दे सकते हैं। 700 सीट तो बहुत दूर की बात है, शुक्र मनाएं अगर नतीजा 2004 का भी हो जाए तो। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, और वहीं बात करें तो लौटते समय वो हेलीकॉप्टर से सोशल मीडिया के थ्रू दो वीडियो शेयर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी है जो उन्हें सनातन विरोधी बता रही है। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी मसला है बहुत सक्षम है तेजस्वी यादव इस पर बयान देने पर, लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य जो कहती हुई नजर आ रही है कि अगर हमारी इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो हम प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल भेज देंगे, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पहले सुनिए उनकी बातों को। बोल रहे तो अभी ये दिन आ गए हैं कि ईद के दिन दुनिया को मुबारकबाद देने की घड़ी है, तो ईद के दिन अब तुम लोग मछली खाने का कई बात कर रहे हो, मछली खाया खिलाया गया, रामनवमी के वक्त में नहीं खाया, उसके पहले खाया, ये सब बातों का जवाब तो तेजस्वी जी खुद दे सकते हैं, सक्षम है वो तेजस्वी जी खुद जवाब दे सकते हैं, ये हमारा इश्यू थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी और प्रधानमंत्री को सलाखे के पीछे हम लोग डाल देंगे। देखिए, जिन्होंने कहा है ये सवाल का जवाब आप उन्हीं से ले सकते हैं, मैंने तो कहा नहीं है, मेरी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, ये मेरा इशू भी नहीं है, मेरा विषय भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, तो जिन लोगों ने कहा है उन्हीं से पूछ सकते हो ना। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार बिहार की 40 सीटें और देश के 400 सीटों पर जो है विजय हासिल होगी। हमें ऐसा लगता है 400 सीटों की बात जो कर रहे हैं कहीं नतीजा जो है 2004 वाला ना हो जाए, क्या जो 400 सीट तो बहुत दूर की बात है, शुक्र मनाएं अगर नतीजा 2004 का भी हो जाए तो। नहीं बेटा, हम बोल चुके हैं, सब सारा बोल चुके हैं। तो आपने सुना शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी जानकारी नहीं है हमें, लेकिन जिस तरह से 400 पार और 400 सीट पर करने की जीतने की बात कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी NDA का गठबंधन का 2004 वाला आना हाल हो जाए, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि शत्रुघ्न सिन्हा जो TMC सांसद है आसनसोल से, और जिस तरह से पवन सिंह जो आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन टिकट कट गया, और जिसके बाद अब पवन सिंह है जो बिहार के काराकाट से लड़ेंगे, जब सवाल किया गया शत्रुघ्न सिन्हा से उस पर बचते हुए दिखे, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल है जो गरमाई हुई है, जहां तमाम गठबंधन हो, इंडिया हो या महागठबंधन हो या NDA हो, तमाम जो गठबंधन हैं वो अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं जो उतर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी घमासान भी मचा हुआ है। वहीं TMC सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2004 का ना हाल हो जाए इन लोगों का। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ 4।